नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं एमफेस इन्फोटेक ने किया विशेष इन्फोटेक स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल के टाइम यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों शेयर में धीरे धीरे यहाँ पे तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो आंतरिक जो सेगमेंट है, जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा दोस्तों बिग टाइम मजबूत सा नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों किस वजह से यहाँ पे मजबूत नजर आ रहा है और अभी टाइम कंपनी क्या वीकनेस नजर आ रही है, कंपनी का जो फंडामेंटल है वो किस प्रकार का यहाँ पे कमजोर नजर आ रहा है, और अभी टाइम दोस्तों वापस से जो सेलिंग है वो किस वजह से यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी आगे चलकर दोस्तों कंपनी का क्या फंडामेंटल यहाँ पे नजर आने वाला है और क्या जो है बेसिक अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। दोस्ततों जानकारी काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। फिलहाल दोस्तों शेयर की प्राइस की अगर बात की जाए तो दोस्तों प्राइस जो रहने वाली वो 45 पैसे पर आज के क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली। लगातार दोस्तों जो शेयर की जो प्राइस है वो एक ही लेवल पर यहाँ पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों पिछले टाइम से शेयर की जो प्राइस है वो इसी लेवल पर यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है, कंटिन्यूसली क्लोजिंग रह रही है। पर अभी के टाइम दोस्तों पिछले अगर एक महीने का फंडामेंटल अगर यहाँ पे वॉच किया जाए तो उसमें जो है नेगेटिविटी थॉट्स काफी ज्यादा देखने को नजर आ रहे हैं। अब कमेंट से देखने को मिल रहा है कि सर अभी टाइम कंपनी की जो है वीकनेस सबसे ज्यादा क्या देखने को मिल रही है। फिलहाल दोस्तों कंपनी की जो सबसे बड़ी जो कमजोरी जो देखने को मिल रही है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स के जो हिस्सेदारी है, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो दोस्तों अभी टाइम काफी ज्यादा कम ऑलरेडी हो चुके हैं। ओनली कंपनी दोस्तों जो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी जो है देखने को मिल रही है वो ओनली 2% की देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास दोस्तों 98% अभी टाइम जो है कंपनी की हिस्सेदारी अभी टाइम देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो दोस्तों काफी कम ऑलरेडी हो चुकी हैं, न के बराबर दोस्तों जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी की सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। और अभी टाइम दोस्तों बिग टाइम कंपनी का जिस प्रकार कंपनी का जो प्रमोटर की प्रमोटर्स की हिस्सेदारी यहाँ पे गिर जाती है तो कंपनी में दोस्तों थोड़ा सा पैसा जो इन्वेस्ट करना है वो आप लोग का थोड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार अगर कंपनी में प्रमोटर यहाँ पे नहीं रहेंगे, अगर कंपनी का दोस्तों प्रमोटर्स के बगैर अगर कंपनी यहाँ पे ट्रेड करती है तो दोस्तों वो तेजी जो है वो ज़्यादा दिन के लिए टिक नहीं पाएगी और कंपनी का जो फंडामेंटल वो काफ़ी ज़्यादा क्रेश लेवल पर बन सकता है। क्योंकि हमने कल जो मार्केट कैप देखा तो वो दोस्तों 154 करोड़ का देखने को मिला, फिर आज दोस्तों अच्छी खासी 14 लाख के आसपास की जो है आज सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिली इंट्राडे के अलावा। तो जिस प्रकार सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही, कंपनी की प्रमोटिंग होल्डिंग जो है वो भी यहाँ पे गिरती हुई नजर आ रही है। तो कंपनी में दोस्तों थोड़ा सा आपका जो पैसा है वो अब एक टाइम काफी ज्यादा थोड़ा रिस्क यहाँ पे बन सकता है और कंपनी का जो थोड़ा सा जो लेवल है वो यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले 6 महीने में 25% की रिटर्न में नेगेटिविटी अभी के टाइम देखने को मिलेगी और 15 पैसे का लॉस जो है अभी भी जारी देखने को मिल रहा है। पर फिलहाल दोस्तों कंपनी जो है कर्ज मुक्त पे देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी जो बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि कंपनी अगर कर्ज मुक्त देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा दोस्तों जो रिस्क है वो यहाँ पे कम बन सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ी सी जो पब्लिक के जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी यहाँ पे देखा जाए तो वो कभी भी दोस्तों शेयर को अपनी सेल कर सकती है। पर प्रमोटर्स अगर यहाँ पे होते दोस्तों, हिस्सेदारी अगर प्रमोटर्स की होती तो थोड़ा सा दोस्तों जो पैसा है वो आपका यहाँ पे सेफ बन सकता था। पर अभी टाइम दोस्तों थोड़ा सा अनसेफ यहाँ पे नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों जिस रिपोर्ट की अगर यहाँ पे बात की दोस्तों, जो सेलिंग की जो रिपोर्टिंग की यहाँ पे बात करने वाला था वो आप लोग को लेकर चलता हूँ। उससे पहले बता दो दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट बार डिजिट किया तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो आइए बढ़ते हैं स्क्रीन की ओर। अभी के टाइम यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, सेलिंग का जो आंकड़ा है वो काफ़ी बड़ा है आज यहाँ पे देखने को मिला। अगर सबसे पहले कारोबार की बात की जाए तो 46,37,743 शेयर की जो है सेलिंग आज के अंट्राडे में देखने को मिली। फिलहाल के टाइम अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, आज का जो है सेलिंग का जो दौर था वो यहाँ पे 14,70,313 शेयर का आज के अंट्राडे में देखने को मिला, वो भी दोस्तों 45 पैसे के प्राइस पर। आंतरिक फंडामेंटल पर अगर यहाँ पे दोस्तों की नज़र यहाँ पे डाली जाए तो सिक्योरिटी वेयर यहाँ पे देखने को 49.15% का नजर आया, और साथ ही साथ अप्लाई केबल मार्जिन रेट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो 52.65% का है वो यहाँ पे देखने को मिला। पर अभी टाइम दोस्तों कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप नजर आ रहा है वो 16,984 लाख का अभी टाइम देखने को मिल रहा है, और लगातार दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे सेलिंग का जो आंकड़ा अभी टाइम नजर आ रहा है तो दोस्तों उस प्रकार थोड़ी सी कंपनी पर नेगेटिविटी यहाँ पे आ सकती है। फिलहाल अगर कंपनी का आज की डिलीवरी की अगर बात की जाए तो दोस्तों 77.5% की जो है बड़ी डिलीवरी शेयर होल्डर्स ने यहाँ पे उठाई है। पर दोस्तों मेरी जो आप लोग को जो एनालिसिस है, जो राय जो आप लोग को देने की बजाय थी वो दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि कंपनी का अगर दोस्तों प्रकार कंपनी जो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी गिर रही है तो थोड़ा सा इस प्रकार आप लोगों को केयरफुल होकर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फिलहाल आगे की जो है थोड़ी सी फंडामेंटल जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी वीक यहाँ पे बन सकती है, क्योंकि लगातार यहाँ पे प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो ऑलरेडी गिर चुकी है। आगे चलकर अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी वापस से कवर यहाँ पे होती है तो पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कुछ समय के लिए। फिलहाल दोस्तों कुछ समय के लिए आप लोग को यहाँ पे कंपनी से एग्जिट आप लोग को कर देना चाहिए कुछ समय के लिए। दोस्तों कंपनी से जो है जितना शेयर है उसको आप या तो होल्ड रखना चाहिए, और अगर आगे चलकर कंपनी का जो पैसा अगर रिकवर यहाँ पे होता है तो आप लोग को प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए। दोस्तों मेरी तो ये बेस्ट फंडामेंटल अभी टाइम देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार जो अचानक यहाँ पे कंपनी प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे गिरती हुई नजर आई, इस प्रकार जो फंडामेंटल क्रेस यहाँ पे कंपनी का देखने को मिला, तो उस प्रकार दोस्तों सबसे मेरी बेस्ट एनालिसिस यही रहने वाली है कि कंपनी का जो वर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों इस
जानकारी के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक ऑप्शन की जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।